आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए प्रदेश की ताजा बड़ी खबरें। भोपाल में बड़े भाई के साथ खेल रही 5 साल की मासूम तीसरी मंजिल की छत पर से नीचे गिर गई। करीब 72 घंटे के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान छत पर ही मासूम की मां कपड़े उतार रही थी। उन्होंने बच्चों को नीचे जाने के लिए कहा था। मामला बजरिया थाना के विवेचना अधिकारी राजेंद्र यादव ने बताया कि प्रमोद कुमार साहू प्राइवेट जॉब करते हैं। वे पुरुषोत्तम नगर के सेमरा कला में 3 मंजिला मकान में अपने परिवार के साथ किराए से रहते हैं। उन्होंने बताया कि गत 23 जनवरी की शाम करीब 4 बजे उनकी पत्नी छत पर कपड़े लेने चली गई। इसी दौरान उनकी 5 साल की बेटी विभा और 8 साल का बेटा भी सीढ़ियां चढ़कर मां के पीछे पीछे छत पर पहुंच गए। बच्चों को छत पर देख मां ने उन्हें नीचे जाकर खेलने को कहा। इतना कहकर वे तार से कपड़े उतारने लगी। तभी उन्हें बेटे की चीख सुनाई दी कि विभा नीचे गिर गए। मां भागते हुए नीचे पहुंची और फिर उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। छत से गिरने के बाद से ही मासूम को होश नहीं आया था। करीब 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार मंगलवार शाम मासूम ने दम तोड़ दिया। टोंक। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और जीप की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। 3 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। यह परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था। हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंधा इलाके में हुआ। इसमें ट्रेलर की टक्कर के बाद जीप पुलिया की दीवार से टकरा कर बुरी तरह से पिचक गई। उसमें सवार लोग गाड़ी में ही फंस गए। हादसे में कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, जहां कुछ की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। जबलपुर। T20 ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और हर गेंद पर सट्टा जबलपुर में लग रहा था। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने मंगलवार शाम को कमानिया के पास एक कपड़े की दुकान की तीसरी मंजिल पर दबिश देकर इसका खुलासा किया। यहां एक कम्युनिकेटर में 29 कीपैड मोबाइल लगाकर 26 अलग अलग लोगों को क्रिकेट सट्टे की लाइन दी गई थी। मौके पर 20 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जो आरोपी कार्यवाही से पहले लगा चुके थे। टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि इन सभी का मास्टरमाइंड भागने में सफल रहा। जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र के पड़ासला गांव में एक 10 साल की बच्ची अपने भाई को बचाने के लिए जंगली सुअर से जा भिड़ी। जंगली सुअर ने खेत में मकान के बाहर खेल रहे उसके 1.5 साल के भाई पर हमला बोल दिया था। उसकी आवाज सुन पहुंची बहन अपने भाई को बचाने के लिए बिना डरे सुअर से भिड़ गए। इस पर सुअर ने भाई को छोड़ बहन पर हमला बोल दिया। उसके चिल्लाने पर अन्य लोग वहां पहुंचे, तब तक सुअर भाग निकला। बाद में ग्रामीणों ने जंगली सुअर को तलाश करके मार दिया। दोनों घायल बच्चों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। उज्जैन स्मार्ट
मिनी योजना के तहत महाकाल मंदिर के विकास और विस्तार शुरू हो चुका है। परियोजना पूरी होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान से करीब 8 गुना बड़ा हो जाएगा। अभी मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर में फैला है, विस्तारित क्षेत्र 20.23 हेक्टेयर हो जाएगा। खास है कि 12 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल विकास योजना का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। परियोजना के पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हाल व अन्य क्षेत्र का निर्माण होगा। प्रदेश की इसी प्रकार की ताज़ा बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक